एक अच्छी तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आई है, जहां इंडियन आर्मी ने आम जनता के लिए न सिर्फ खेल समारोह का आयोजन किया, साथ ही उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हुए हेल्थ कैंप लगाया। इंडियन आर्मी अपने इन कदमों से वहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। पिछले 4-5 साल से तकरीबन इंडियन आर्मी की तरफ से हमें सपोर्ट मिल रही है और हर बार अच्छे फेस्टिवल होते हैं, हंसवेली और ये जो अभी कौमी एकता हुआ, तो इससे हमें बाहर भी जाने का मौका मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें ऐसे मौका मिलता रहेगा। तो हम वेल ट्राई, दोनों टीमों ने अच्छा भी खेला है इसमें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें मौका मिलता रहेगा, खेलते रहेंगे हम। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पर खेलने वाले हैं उन सभी को सर फुल सपोर्ट की जाए खेलने ग्राउंड्स की और सभी जितनी भी सुविधा होती है खेलने की। वहीं एक देश हित के लिए चलाए गए अभियान का सराहनीय नजारा महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला। स्वस्थ भारत यात्रा की साइकिल टीम को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हरी झंडी दिखाई। बता दें कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को खान पान, गैर संचारी रोगों और कुपोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यू मस्ट नो द न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इज वन एस्पेक्ट व्हिच मस्ट बी टॉट फ्रॉम द स्कूल्स। Therefore, what we have decided is when we are revising and reducing the curriculum, the emphasis on nutrition will increase. And nutrition, unless we know what we are eating and what it causes impacts in our body, we cannot eat right. Therefore, knowledge is first, then habits are second, and therefore we need a movement. And that movement is launched today, and this is succeeding 6 cycle. Yatras all over the country is really a good beginning of the story. The issue is that we have to make this as a real public movement so that country will eat right and achieve good health index. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने उत्तराखंड के लिए ढेर सारी सौगात दी है। उन्होंने प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर, छात्राओं के लिए 5 स्थानों में छात्रावास और अनुसूचित ओबीसी जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार को निःशुल्क जमीन उपलब्ध करानी होगी। सामाजिक अधिकारिता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री गहलोत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जहां हॉस्टल चाहती है वहां बजट दिया जाएगा, बस राज्य सरकार इसके लिए निशुल्क जमीन उपलब्ध कराए। घरेलू बजट एयरलाइंस इंडिगो के खाते में शुक्रवार को एक उपलब्धि दर्ज हो गई। इंडिगो ने शुक्रवार को अपने बेड़े में 2 एयरबस A320 CEO और 2 A320 NEO विमान शामिल करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वो अपने बेड़े में 200 विमान रखने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है। इंडिगो की तरफ से जारी एक आंतरिक कम्युनिकेशन में इस बात का दावा करते हुए अगले 3 साल में अपने विमान बेड़े को 300 पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।